हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। इस बार नोटिफिकेशन आया है एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 1200 वैकेंसीज निकल के आया है। एलडीसी क्लर्क 2024 में जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वह है 1200 वैकेंसी, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एलडीसी के इस बार की ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। एलडीसी क्लर्क के लिए एप्लीकेशन करने के लिए सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, देख लेते आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते एलडीसी क्लर्क के लिए, उसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम होने वाला है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना होगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ क्वेश्चन आने वाला है, एंड उसके ऊपर बेस करके बेसिकली आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एलडीसी क्लर्क के लिए एप्लीकेशन करने के लिए पहले तो आप लोगों को मैं बताया है कि अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका 12 पास होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अगर 12 पास है आप, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए बताया जा रहा है, जिसमें 28th of June 2024 इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। 28th of June 2024 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। अगर बात किया जाए एज क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली जो एज क्राइटेरिया है, 18 से 34 ईयर्स तक के एप्लीकेशन कर सकते जनरल वालों, एंड 18 से 37 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते जो कि है ओबीसी, एंड 18 से 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते एससीएसटी कैंडिडेट। तो अगर इनमें से कोई भी आपका कास्ट है, तो डेफिनेटली आप लोग, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड कास्ट सर्टिफिकेट लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन फीस, आपको यहाँ पे देके आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में ही करना होगा, ऑनलाइन के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सैलरी की अगर बात किया जाए, तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे, अगर सैलरी की बात किया जाए तो आपको सैलरी जो दिया जाएगा वो है मिनिमम आपको 18,000 से 20,000 पर मंथ आपको सैलरी भी यहाँ पे दिया जाएगा। ऑल इंडिया बेसिस जॉब है, तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, आप लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हो। पहले से आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है। तो इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन में एप्लीकेशन देने के लिए आपको पहले तो एक बात बता देता हूँ, ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको सही तरीके से फिलअप करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई की तरफ से इस बार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो इसको डिटेल्स में देख लेना एंड यहाँ से एप्लीकेशन आपको करना होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।